राम राम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं फेमस मिठाई सेवन कटोरी बेसन बर्फी। इसमें ना हम मावा डालेंगे, ना मिल्क पाउडर और ना चाशनी, बस जो हमारे घर की जो सामग्री है उसी से हम ये बेसन की मिठाई बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे, वो भी हम मोटे पैदे की लेंगे ताकि हमारा जो सामग्री है वो जले नहीं। इसमें हम एक कटोरी लेंगे और उसको हम एक कटोरी बेसन डालेंगे। इसमें हम घी तेल वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, बिना उसके ही हम इसको भून लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। धीरे धीरे 2-3 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है बेसन भून चुका है। धीरे धीरे इसमें बेसन की खुशबू भी आने लगी है। इसको हम ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे और फिर उसी कटोरी से हम एक कटोरी नारियल का बूरा डालेंगे। जो या तो आप चाहे तो नारियल को कद्दू कर कस के भी डाल सकते हैं। और धीरे धीरे इसको भी हम मिलाते जाएंगे, धीरे धीरे मिला लें और फिर इसमें एक कटोरी उसी से घी डालें और ये घी डाल के भी इसमें मिला लें और इन सब को एक साथ चलाते रहें। गैस की फ्लो आप धीमी ही रखें और इसको मिलाते रहें। धीरे धीरे ये घी भी हमारा इसमें मिल चुका है। अब हम इसमें उसी कटोरी से जिससे हमने घी डाला है उससे एक काजू का पाउडर बनाएंगे और उसमें डाल देंगे। काजू को आप मिक्सी में लें और रुक रुक के उसको चला के पीस लें। जब आप पीसें तो अच्छे थोड़ा रुक रुक के इसको पीसें और इसको मिला के अच्छे से इसको भी हम मिला लेते हैं। ये भी हमारा भुन चुका है। धीरे धीरे इसको भी हम हल्की आंच पे ही ऐसी धीरे धीरे मिलाते रहेंगे और उसी कटोरी से हम अब इसमें 2 कटोरी हम चीनी लेंगे और उसको भी हम इसमें मिला देंगे। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम 2 कटोरी डालेंगे और ये दूसरी कटोरी भी हमारी पड़ गई है और इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाते मिलाते अच्छे से इसको भी एक साथ सबको मिला लें और उसके बाद जब हमारा ये मिल जाएगा तो इसमें एक कटोरी उसी कटोरी से हम उसको क्या लेंगे, दूध लेंगे और वो दूध भी हम इसमें मिला लेंगे। इसको अब हम ऐसे ही थोड़ा अच्छे से मिलाते रहेंगे जब तक ये हमारा सारा अच्छे से, ये देखो अब धीरे धीरे मिलाते हुए हम इस हमारा घी कढ़ाई घी छोड़ने लगी है। इसका मतलब हमारी मिठाई की तैयार होने लगी है। हम तो ऐसे ही अच्छे से चलाते रहेंगे। अब ये देखो छोड़ने लगी है ना, जैसे करछी जा रही है मेरी उसी के साथ मेरी मिठाई भी जा रही है ना हमारी, तो इसका मतलब हमारी मिठाई जो है बनके तैयार हो चुकी है। थाली लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। थाली तो सभी के घर में होती है और इसमें थोड़ा घी डाल के इसको अच्छे से फैला लेंगे थाली पे ताकि हमारा जो मिठाई है वो चिपके नहीं। और इसमें एक हम पेपर डाल देंगे जिससे हमें निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी। इसमें हमने घी डाल दिया है और इसको भी हमने फैला दिया है। अब हम इसको अच्छे से फैलाते हुए घी को लगा दिया है और हम अपनी मिठाई जो बनी हुई है सारी इसमें हम डाल देते हैं। ये देखो कितना अच्छा सा कलर आ गया है हमारे मिठाई का। सारा हम इसमें अच्छे से डाल के और इसको डाल, ये हमारा मिठाई डाल रहे हैं हम इसको और इसको हम डाल के अच्छी तरह इसको अब
फैला देंगे। ये हम देखो अब कटोरी में डाल रहे हैं, अगर देखना थोड़ा ठंडा होके ये गोलियां बन रही है, अगर गोली अच्छे से बन गई तो हमारी क्या है ये मिठाई अच्छे से, देखो कितने अच्छे से गोली बन रही है इसकी इसकी, तो हमारी मिठाई क्या है परफेक्ट बन चुकी है। इसको हम धीरे से पूरा प्लेन होके प्लेन कर देंगे और इसको अच्छे से हम फैला लेते हैं। फिर हमें इसको ठंडा होने के लिए रखना है फ्रिज में 1-2 घंटे के लिए, इसको ऐसे ही छोड़ दें, फिर जाके हमारी मिठाई क्या होगी तैयार हो जाएगी। इसको हमने ऐसे फैला दिया है और ये हमारी देखो 2 घंटे बाद हमारी मिठाई देखो कितने अच्छे से पीस बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मिठाई अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और हमें बताना कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करना कि आपने बनाई है कि नहीं।